खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, चंद्रशेखर आजाद के पोते अमित चंद्रशेखर आजाद नानके पेट्रोल पंप के सामने से चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को हटाने को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र शलूजा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अमित चंद्रशेखर आजाद को धरने पर जरूर बैठना चाहिए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के सामने, क्योंकि जब प्रतिमा हटाई गई थी उस समय भाजपा की सरकार थी और उन्हीं के महापौर थे जिन्होंने नगर निगम सड़क के किनारे निर्माण के नाम पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को हटाया था। कांग्रेस का तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। चौराहा खाली था, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा लग रही है, तो यह दोष तो भाजपा की सरकार का है। उनको धरने पर जरूर बैठना चाहिए, लेकिन बैठना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के सामने, जिनके सरकार में उन्हीं के नगर निगम भोपाल की परिषद ने BRTS सड़क के निर्माण के नाम पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा हटाई थी। तो कांग्रेस का तो कोई लेना देना ही नहीं, चौराहा खाली था, उस पर यदि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा लग रही, तो ये दोष तो चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा हटाने का यदि बात करें तो दोष तो पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार के ऊपर है, शिवराज सिंह चौहान के ऊपर है, तो धरना तो उनके घर के सामने देना चाहिए, भाजपा के नेताओं के घर के सामने देना चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि मध्य प्रदेश की भाभरा में भी उनकी कुटिया तोड़ी थी, तो ये लोग तो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के आदी हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है। तो जो भी महापुरुष जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है उनका अपमान करने के आदी हैं और उनके परिवार को तो धरना इनके दरवाजे के सामने देना चाहिए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।